आज हमारे पास आई है सुजुकी की जिक्सर, जो फ्यूल इंजेक्शन है, आप देख सकते हैं। और ये गाड़ी चली हुई है, पंद्रह हज़ार दो सौ सतहत्तर किलोमीटर ये गाड़ी चल गई है। और आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, चैन की हालत देख सकते हैं आप, ये अजीब टाइप आवाज़ कर रहा है, आप देखें। तो इसकी फुल प्रॉपर सर्विस करने वाले हैं हम लोग, और इंजन साउंड करके आपको सुनाते हैं कि इसकी टाइप बीट की आवाज़ किस तरीके से आ रही है, उसको भी हम लोग सही करेंगे प्रॉपर। चलिए सेल्फ मारते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेल्फ उठा नहीं रही है, तो हम लोग एक जुगाड़ के साथ इसको स्टार्ट करेंगे, जो कि थर्ड या फोर्थ गियर लगाने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करने का काम किया जाता है, क्योंकि इसमें किक नहीं दिया हुआ है और बैटरी बैठ गया है, इस कारण हमें इस तरीके से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। घुमाना, फोर नंबर डालो, तो आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई है और हम लोग इसको न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल करना ज़रा, चलिए ये न्यूट्रल हो चुकी है और अब इसके साउंड को सुनेंगे, ये किस तरीके से ये साउंड कर रही है। चलिए इसको पूरा खोलते हैं और इसकी फुल सर्विस करते हैं और इसके टाइमिंग को सही करते हैं, फिर आपको इसको इसकी साउंड सुनाते हैं। तो आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत, देखें आप एक बारी, ये ब्रांड न्यू जिक्सर है, मात्र 15,000 चली हुई, कंडीशन देखिए कैसी है। तो पहले इसकी हम लोग क्लीनिंग करेंगे अच्छे तरीके से, पूरी बाइक पहले क्लीन होगी, उसके बाद इसकी सर्विस करेंगे और इसके हेड कवर को खोल के यहाँ से टाइमिंग सही करने वाले हैं। तो चलिए पहले इसको वॉशिंग पे ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरीके से वॉश हो चुकी है, आप गाड़ी की अब कंडीशन देखें आप, और सारा कुछ खुल रहा है, वो सारा सर्विस पे जाएगा। तो आप बाइक देख लें, कितने अच्छे तरीके से साफ सफाई किया गया है। चलिए अब इसके टाइप बीट को खोलते हैं, टाइप बीट ढक्कन को, और इसके टाइप बीट को सेट करते हैं। तो हम लोगों ने इसके हेड के कवर को खोल लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ से एरो, एक इधर है और एक इधर है डी कंप्रेसर के नीचे, देखिए। तो हम लोगों ने टाइमिंग भी टॉप पे ले लिया है, यहाँ से एक कट आपको दिख रहा है मैग्नेट में, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा दिख रहा है वो निशान, एक एरो टाइप। टाइमिंग हम लोगों ने इसका टॉप पे ले रखा है, और जब टाइपिंग चेक किया तो ये इतने हार्ड हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखे हैं ये, बहुत थोड़े भी हिल भी नहीं पा रहे हैं। चलिए इसकी टाइमिंग को सही करते हैं, अब देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, ये थोड़ा भी नहीं हिल रहा है, इतने हार्ड हो रखे हैं। चलिए इसकी टाइमिंग को सेट करते हैं, फिर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग ने टाइपिंग भी सेट कर लिया अच्छे से, अब इसके हेड कैप को लगाते हैं और मैग्नेट कवर को लगाते हैं, ये एलेंकी बोल्ट दिए हुए हैं उनको लगाना पड़ेगा ये दोनों, और इसको पैक करते हैं अच्छे तरीके से और फुल सर्विस करके इसको फाइनल टच करके आपको इसकी साउंड भी सुनाने वाले हैं।
तो फाइनली इसकी सर्विस पूरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं सारा पैनल वैनल हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठा लिया है, इंजन भी ऑयल भी चेंज कर लिया है और फुल सर्विस भी इसका हो चुका है और टाइमिंग सेट कर लिया है। और चलिए आपको इसकी एक बार आवाज़ सुनाते हैं, स्टार्ट करना। तो देखिए आप, ये ऑन हो चुका है और बाइक वही है 15,278 किलोमीटर। आप बाइक की साउंड सुन सकते हैं, कहीं से कोई किटकिट की आवाज़ नहीं आ रही है। तो बहुत से मैकेनिकों ने बताया था कि इसका टाइमिंग चेन ख़राब हो गया है, टाइमिंग गाइड ख़राब हो गया है, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि ये टेंशनर चेंज कर दो। पर इसमें कोई चीज़ ख़राब नहीं था, बस नॉर्मल इसको टाइमिंग सेटअप करना था, जो कि हम लोगों ने किया और RPM बिल्कुल परफेक्ट आके बैठा है। चलिए इसको एक बार वेव करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।